गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो इन टुडे क्लास इन माई प्रीवियस डायफ द कार्बोहाइड्रेट इफ यू टू सी यू कैन सी इन द्ले लिस्ट सो दूडेन दोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन द डाइट मतलब आपके जो भोजन है उस भोजन में लगभग दस से पंद्रह परसेंट प्रोटीन है द प्रोटीन डाइजेशन विच टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन इंक्लूड तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो जनरली इंटेस्टाइन में होता है विच टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है तो वो प्रोटीन बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन में आ कहाँ से रही है ठीक है तो प्रोटीन कंटेन डाइजेस्टिव जूस मतलब जो आपके डाइजेस्टिव जूस हैं उसमें जो एंजाइम्स हैं वो अपने आप में प्रोटीन्स के फॉर्म है तो एक तो डाइजेस्टिव जूस की प्रोटीन आ रही है ठीक है दूसरा प्रोटीन डेराइड फ्रॉम द डी डीक्वेटेड सेल्स तो डी स्क्मेशन क्या होता है जैसे मैंने कल बताया था कि डी स्क्ूमेशन मतलब झड़ना मतलब जो आपकी जो अंदर एपिथीलीम है म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सब जो डीस्क्यूमेट हो गए झड़के जब इंटेस्टाइन में आएगी तो वो भी तो प्रोटीन से बनी हुई है है ना तो पहला तो डाइजेस्टिव जूस के अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स प्रोटीन का पार्ट है तो वो पहला प्रोटीन का सोर्स कि डाइजेस्टिव जूस इट्स जो है वो प्रोटीन का कंटेन होता है उसके अंदर दूसरा डी सेल्स तो आपकी जो डीसक्रोमिनेट सेल्स हैं वो भी प्रोटीन से बनी है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो तीसरा क्या है डाइटरी प्रोटीन जो आप डाइट में लेते हैं तो डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एक बैलेंस डाइट में लगभग लगभग दस से पंद्रह प्रोटीन होती है और जिस प्रोटीन का हम पाचन करते हैं वो पाचन ना केवल डाइटरी सोर्स से आती है इसके अलावा आपकी बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रही है जैसे डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर प्रोटीन है एंजाइम्स के फॉर्म में और जो डिसक्रोमेटेड सेल्स हैं जो टूट फूट से निर्मित जो सेल्स होती हैं वो सेल्स एट सेल्स प्रोटीन की बनी होती हैं तो उनका पाचन भी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन के अंदर आएगा ठीक है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द गैस्ट्रिक जूस तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक जूस से स्टार्ट होता है And is finished in the succus entericus due to absence of proteolytic enzymes in the saliva. तो जैसा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में सलाइवी अमाइलेज या टैलिन से स्टार्ट हो जाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता क्योंकि माउथ के अंदर कोई भी प्रोटोलिटिक एंजाइम्स नहीं होते तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक जूस होगा स्टोमक तो में तो स्टोमक तो में स्टार्ट होगा और सकस इंटेरिकस जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है वहां कंप्लीट हो जाता है तो जैसा हम बोल रहे हैं कि वो गैस्ट्रिक जूस में स्टार्ट होता है तो लेट्स सी गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है तो गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्सिन कैथेप्सिन पैरापेप्सिन और गैस्ट्रिकसिन पेप्सिन पैरापेप्सिन ऐसे याद रखिए है पैप्सिन पैरापैपिन कैथेप्सिन कैथेप्सिन पेप्सिन, पैरापेप्सिन तो याद रहेगा ना तो पेप्सिन, पैरापेप्सिन कैथेप्सिन और गैस्ट्रिक्सिन तो पेप्सिन, पैरापेप्सिन कैथेप्सिन एंड गैस्ट्रिक्सिन तो पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन रिमेन्स एज ए पैप्सिनोजन इन द पेप्टिक सेल्स ऑफ द स्टोमक तो पैप्सिन बेसिकली कहाँ है स्टोमक stomach में है स्टोमक की किस सेल में पैप्टिक सेल में तो पी से पैप्सिन और पी से पैप्टिक सेल तो सिंपल इसमें कुछ रटना नहीं है तो पैप्सिन पैप्टिक सेल में होता है ठीक है स्टोम वो कहाँ होती है स्टोमक में क्योंकि हम गैस्ट्रिक जूस की ही बात कर रहे हैं ना स्टोमक से निकलेगा तो पैप्सिन स्टोमक की पैप्टिक सेल के अंदर रहता है नॉर्मल अवस्था में वो पैप्सिन के रूप में रहता है ठीक है द एच सी एल ऑफ गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट इट इंटू एक्टिव पैप्सिन तो आपके जो स्टोमक है स्टोमक के अंदर जो पैप्टिक सेल्स हैं उस सेल्स में है लेकिन वो किस फॉर्म में में के रूप ठीक है और द एस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस वो जब आता है तो वो पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है ठीक है आपने क्या देखा कि पैप्सिन पेरापेप्सिन, कैथेप्सिन और गैस्ट्रिकसिन ये एंजाइम्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं ठीक है पहले हम बात करेंगे पैप्सिन की तो पैप्सिन कहाँ पाया जाता है पैप्सिन पैप्टिक सेल में पाया जाता है पैप्टिक सेल कहाँ होंगी स्टोमक के अंदर होंगी और किस नॉर्मली वो किस फॉर्म में रहता है पैप्सिन के फॉर्म में रहता है जो कि एक इनएक्टिव स्टेज है इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय अवस्था है वो सक्रिय कैसे होगा वो एक्टिव कैसे होगा जब एस सी एल आएगा और जब एससीएल रिलीज होगा तो पेप्सिनोजन ऑटोमेटिकली पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इट्स रिएक्शन इज हाइली एसिडिक इन एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम इट बिकम इनएक्टिव तो हम जब बोल रहे हैं ना कि एस सी एल आएगा तो एस सी एल तो एक एसिड है ना तो उस एसिड के आने की वजह से पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट हुआ तो इसी बात से लिंक है कि इसकी जो रिएक्शन है वो हाईली एसिडिक होती है जब भी मीडियम एल्कलाइन या न्यूट्रल होता है तो जो पैप्सिन वो इनएक्टिव हो जाता है इनएक्टिव मतलब पैप्सनो जन में कन्वर्ट हो जाता है इट्स एक्शन ऑन द लिविंग गैस्ट्रिक म्यूकोस मेम्रेन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा तो जैसा कि हम ट्वेल्थ में पढ़ के आए हैं आप सब लोग पढ़ के आए हैं आपके दिमाग में डाउट होता है ना कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो जब मांस को पचा लेती है तो इंटेस्टाइन अपने आप मांस की बनी हुई है उसको क्यों नहीं पचाती है ना ये क्वेश्चन है ना कि जब हम बाहर से नॉनवेज खाते हैं तो वो पच जाता है तो इंटेस्टाइन इट्सल्फ जो है वो नॉनवेज है वो क्यों नहीं पचती तो वो इसलिए नहीं पचती क्योंकि आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसके अंदर एक एंटी एंजाइम होता है तो एंटी एंजाइम होने की वजह से पैप्सिन उस पर काम नहीं कर पाता The pepsin in presence of HCl digest protein to peptone through the following stages फॉलोइंग स्टेज जैसा हम पढ़ चुके हैं कि पैप्सिनजन एचसीएल की प्रजेंस में पैप्सिन में कन्वर्ट होता था है। और ये पैप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देता है कितने तोड़ देता है पैप्टोन को तो पैप्टोन कैसे बनेगा डायरेक्टली पैप्टोन नहीं बनता बीच में कुछ और चीज़ें बनती हैं वो हम इस चार्ट से पढ़ते हैं तो प्रोटीन पहले एसिड मेटा प्रोटीन में चेंज होगा फिर प्राइमरी प्रोटीओज में फिर सेकेंडरी प्रोटीओज में एंड फाइनली पैप्टोन में तो आपको क्या याद रखना है जो पैप्सिन है वो प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देता है ठीक है तो पैप्सिन के बारे में एक खास बात कि पैप्सिन गैस्ट्रिक जूस का एक एंजाइम्स है ठीक है पैप्सिन एच के कारण पैप्सिनजन से पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है पैप्सिनजन एक निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म है पैप्सिन एक एक्टिव एक एक फॉर्म है इसी से अगला पॉइंट यह आ जाएगा कि एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव रहता है एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में ये इनएक्टिव हो जाता है फिर आपके पेट की जो म्यूकोसा है वो क्यों नहीं पचती वो भी प्रोटीन से बनी है वो इसलिए नहीं पचती क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर एंटीपैप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है पैप्सिन क्या करता है पैप्सिन प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देता है तो प्रोटीन से पैप्टोन बनने के जो स्टेज है उसके बीच में तीन और स्टेप्स होंगे एसिड मेटा प्रोटीन एसिड मेटा प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन अगर ये नहीं याद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद करिए कि पैप्सिन प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देगा तो ये जो बात हमने की वो किसकी बात की गैस्ट्रिक जूस में तो गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिन है ना पैरापैपसिन कैथेप्सिन और गैस्ट्रिकसिन थे द इम्पोर्टेंट एंजाइम पैप्सिन था पैप्सिन नॉर्मली निष्क्रिय फॉर्म में रहता है जब एसियर रिलीज होता है तो पैप्सिन निष्क्रिय फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में अर्थात पैप्सिनजन्स से पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पैप्सिन प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देता है क्लियर आगे चलते हैं अब गैस्ट्रिक जूस हम पढ़ चुके तो गैस्ट्रिक जूस के बाद आएगा इन द पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है पेंक्रियाटिक जूस में दो जाइमोजेंस होते हैं ठीक है एक ट्रिप्सिनोजन और एक काइमो ट्रिप्सनोजन एक ट्रिप्सिनोजन तो जब भी आपको कभी प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी मतलब एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जब भी कभी प्रोटीन के डाइजेशन की बात हो तो आप ऐसे याद रखें पहले पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन तो पेप्सिन किससे निकला गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन किससे निकला पेंक्रियाटिक जूस में तो ट्रिप्सिन से ही याद आ जाएगा जैसे पेप्सिन पेप्सिनोजन था तो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज एंड कोलजनेस ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज एंड कोलजनेस ठीक है चार नाम याद हैं कौन से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज एंड कोलजिनेस कुछ भी ना याद रहे तो ट्रिप्सिनोजन एंड काइमो तो ट्रिप्सनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन जैसे पैप्सनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था किसकी वजह से एस की वजह से इन द सेम में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ द इंटेरोकाइनेस कौन सा एक्शन इंटेरोकाइनेस के एक्शन की वजह से अब भाई इंटेरोकाइनेस कहाँ होता है इंटेरोकाइनेस सक्कस इंटेरिकस जूस में होता है ठीक है तो इंटेरोकाइनेस कहाँ है सक्कस इंटेरिकस में तो ट्रिप्सिनोजन जब तक को जब तक इंटेरोकाइनेज नहीं मिलेगा ट्रिप्सनोजन ट्रिप्सोजन की फॉर्म में ही रहेगा वो इनएक्टिव स्टेज है और जब इंटेरोकाइनेज मिलता है, तो ट्रिप्सिन ट्रिप्स में कन्वर्ट हो जाता है अब ट्रिप्सिन क्या करता है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है एंड इट्स रिएक्शन इज स्लाइटली एल्कलाइन टू स्लाइटली एसिडिक तो आपको कैसे याद रखना है कि ट्रिप्सनोजन और काइमो अगर आपको इलास्टेज और कोल्डजनेज नहीं भी याद रहते हैं तो चलेगा ट्रिप्सनोजन और काइमोट्रिप्सनोजन तो ट्रिप्सनोजन जो था वो इंटेरोकाइनेज के कारण ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है जिसकी रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली एल्कलाइन होती है ठीक है ट्रिप्सिन एक्ट अपॉन नेटिव प्रोटीन एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन सच एज द मेटा प्रोटीन प्रोटीज पैप्टोन पॉलीपैप्टनवर्ट दैम इन टू लोअर पैप्टाइड्स तो मतलब ट्रिप्सिन डायरेक्टली प्रोटीन पे भी काम से आपने सपोज आपका गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन नहीं हुआ कुछ प्रोटीन के अंश रह गए कुछ एसिड मेटा प्रोटीन रह गए कुछ प्राइमरी प्रोटीन रह गए कुछ सेकेंडरी प्रोटीन रह गए और कुछ फाइनली पैप्टोन बने तो चाहे तो पैप्टोन हो चाहे प्राइमरी प्रोटीज़ हो चाहे सेकेंडरी प्रोटीज़ हो चाहे डायरेक्टली प्रोटीन हो वो सारी प्रोटीन जो है वो लोअर पैप्टाइड मतलब पैप्टोन को भी पैप्टाइड में तोड़ रही है और प्रोटीन्स को भी पैप्टाइड में तोड़ रही है पैप्टाइड डाई और ट्राई पैप्टाइड्स के रूप में तोड़ देती है कौन कौन तोड़ देती है ट्रिप्सिन ठीक है तो ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था किसकी वजह से एक्टिव हुआ इंटेरोकाइनेज इंटेरोकाइनेस कहाँ पाया जाता है सक्कस इंटेरिकस में पाया जाता है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सनो जन को काइमोट्रिप्सिन काइमो में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन का जो एक्शन है वो स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली एल्कलाइन है ट्रिप्सिन नेटिव प्रोटीन पे भी काम करता है और जो मिडिल प्रोडक्ट है पोप्टोन बनने से पहले एसिड मेटा प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीज सेकेंडरी प्रोटीज इन पर भी काम करता है और पेप्टोन पर पे भी काम करता है इन सबको लोअर पैप्टाइड था टाई और टाई पैप्टाइड में तोड़ देता है काइमोट्रिप्सिन क्या करता है काइमोट्रिप्सिन कोगुलेट मिल्क लाइक रैनिन तो जैसे एक रैनिन एक एंजाइम है जिसकी वजह से मिल्क का डाइशन होता है ना जो इन द सेम वे तो काइमोट्रिप्सिन है वो कोगुलेट द मिल्क वो मिल्क को ऐसे कोगुलेट कर देगा जैसे हम बच्चा बच्चा दूध पीता है दूध पीने के बाद मुँह से जो दूध निकालता है वो दही जैसा निकलता है तो रेनिन की वजह से वो दूध फट जाता है तो जैसे रेनिन काम करती है इन द सेम वे काइमोट्रिप्सिन जो है वो भी दूध को प्रोटीन को कोगुलेट करने का काम करता है इट हाइड आल्सो हाइड्रोलाइज द सीजन एंड चिलेटिन तो आपको क्या याद रखना है आपको पहले गैस्ट्रिक जूस में याद रखना था क्या पैप्टिन पैप्सिन पैरापैपिन उसके बाद कैथेप्सिन और गैस्ट्रिकसिन पैप्सिन में याद रखना था पैप्सिन जन पैप्सनोजन एस सी एल के कारण पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ जब एस सी एल आएगा तभी याद रखना है कि इसका मतलब हाईली एसिडिक होता है न्यूट्रल और पे पर काम करना बंद कर देता है बेसिकली ये प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ देता है सिंपल जब आपका पेंग्रियाटिक जूस आएगा तब आपको चार एंजाइम नहीं याद रहते हैं तब भी दो रखने एक ट्रिप्सनोजन और एक कायमो ट्रिप्सनोजन इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है किसकी वजह से कन्वर्ट होती है इंटेरोकाइनेस की वजह से इंटेरोकाइनेस कहाँ से निकलता है कहाँ प्रेजेंट होता है सक्कस इंटेरिकस में प्रेजेंट होता है और ट्रिप्सिन क्या करती है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है ट्रिप्सिन कैसे काम करती है ट्रिप्सिन डायरेक्टली प्रोटीनस पे भी काम कर सकती है मिडिल के जो प्रोडक्ट हैं एसिड मेटा प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीज सेकेंडरी प्रोटीन इन पर भी काम कर सकती है और पेप्टन पे भी काम कर सकती है और इन सब को फाइनली लोअर पैप्टाइट मतलब डाई और ट्राई पैप्टाइट में तोड़ देती है काइमोट्रिप्सिन कैसे काम करता है काइमोट्रिप्सिन रेनिन की तरह काम करता है और दूध की प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है तो आपने पढ़ लिया कि गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन का डाइजन कैसे हुआ पेंक्राइटिक जूस में डाइजेशन कैसे हुआ नाउ वी विल सी इन सक्कस सेंटेरिकस तो सक्कस सेंटेरिकस के अंदर एक एंजाइम्स होता है उसका नाम है एरेपसिन क्या नाम है एरेप्सिन तो एरेप्सिन इट रिएक्शन इज स्लाइटली अल्कलाइन इट कैन नॉट एक्ट ऑन नेटिव प्रोटीन इट एक्ट्स ओनली अपॉन द लोअर पेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड्स तो सक्कस इंटेरिकस के अंदर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है एरेप्सिन क्या नाम है एरेप्सिन इट हल्का अल्कलाइन होता है ये नेटिव प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता जो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन की वजह से जो लोअर पेप्टाइड बनेंगे डाई और ट्राई पेप्टाइड ये उन डाई और ट्राई पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो एंजाइम का नाम कौन सा है एरेप्सिन क्या नाम है एरेप्सिन कहाँ सक्सेंटेरिकस में वो डाई और ट्राई पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है इट कंसिट ऑफ द मैनी डिफरेंट पैप्टाइडेज ठीक है जैसे अमीनो कार्बोक्सी ट्राई डाई अमीनोपैप्टजोक्सीपेपाइडिस तो इसके अंदर बहुत सारे पैप्टाइडेज होते हैं किसके अंदर रेपिन के अंदर जैसे अमीनो कार्बोक्सी ट्राई एंड डाई ट्राइपैप्ट इस प्रकार जो प्रोटीन है वो फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और अमीनो एसिड्स जो है वो अब्जॉर्व हो जाते हैं ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा हमने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है सबसे पहले आपके भोजन में लगभग लगभग दस से पंद्रह परसेंट प्रोटीन होती है भाई प्रोटीन आती कहाँ से है डाइटरी सोर्स से तो आती है इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इसमें भी प्रोटीन होती है इसके अलावा जो डिसक्रोम सेल्स होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं तो ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं प्रोटीन का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि प्रोड्योलिटिक एंजाइम्स सलाइवा के अंदर नहीं होते प्रोटीन का डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस से स्टार्ट होता है और सक्कस एंटेरिकस पे कंप्लीट हो जाता है तो गैस्ट्रिक जूस का एक मेन एंजाइन आपको पेप्सिन याद रखना है

एब्जॉर्ब हो जाएंगे ठीक है तो दिस इज वॉट प्रोटीन डाइजेशन इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी डाइजेशन ऑफ द लिपिट्स